पीरियड्स का स्त्री धर्म या मासिक धर्म जिसे बोलते हैं उसका बंद हो जाना, वो चीज़ें तीन ही कंडीशन में हो सकती है। एक पहली कंडीशन की अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो वो बंद स्टेज है, उसके बाद जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है उस समय पर, और तीसरा जब वो हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं मीनोपोज। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीनोपोज के बारे में कि जब एक महिला के जो पीरियड्स हैं वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं तो मतलब मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि मैम मेरे को ऐसा लगता है कि अब मेरे हस्बैंड मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, अब मेरा करने का मन नहीं करता, तो मेरे को क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे मैं ठीक फील करूँ, मेरे को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है इस चीज़ से रिलेटेड, मैं इसको अच्छे से नहीं ले पा रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये हो, मैं चाहती हूँ कि मेरे फिर से पीरियड्स हो जाए, तो ये सब चीज़ों का क्या सोल्यूशन है और क्या इसके लिए करना चाहिए। तो मैं जो समझती हूँ वो ये कि इन चीज़ों के लिए बहुत सारी या फिर मोस्टली बार चाहिए कि एजुकेशन हो या काउंसलिंग हो, तो उसी थोड़ी सी एजुकेशन के लिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर करने के बारे में सोचा है। तो मीनोपोज होता क्या है? मीनोपोज का मतलब होता है जो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होगा, जो पीरियड्स है जो महिला के हर महीने होते हैं वो बंद हो जाते हैं हमेशा के लिए, मतलब उसके बाद वो नहीं होंगे। और वो किस एज में होता है? वो होता है 45 टू 50 की एज में। अगर वो 35 से पहले हो जाता है तो वो अर्ली माना जाता है, अगर वो 50 या उसके बाद होता है तो उसको लेट बोलते हैं, लेकिन अगर आपका 45-50 के आसपास हो रहा है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है और वो एक नॉर्मल चीज़ है, वो होनी है आपके साथ। अगर आप एक महिला एक लड़की है या आप एक पुरुष है, आपके साथ जो भी महिलाएं जुड़ी हुई है, आपकी मदर है या फिर आपकी सिस्टर है या फिर आपकी जो वाइफ है, तो सबके साथ ये चीज़ें होनी है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल थिंग है। ओके, तो इसके बारे में एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? इसके बारे में एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मतलब कुछ भी हमारी बॉडी के साथ अलग हो रहा है ना, तो वो हम एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कैसे? हमें ऐसा लगता है कि अब उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे हस्बैंड को हमें इंटरेस्ट नहीं होगा, अब वो कहीं और ये चीज़ें ढूंढेंगे, है ना, या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इस चीज़ का मेंटल स्ट्रेस ले लेती हैं महिलाएं और उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन होना क्या चाहिए? हंसते खेलते खुशी से इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल है और वो सबके साथ होता है और होना ही है। ओके, तो सबसे पहले इसमें मैं ये बता दूँ कि ऐसे क्या सिम्टम्स हो रहे हैं जिसकी वजह से महिलाएँ इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही। तो इसके अंदर जो मेन जो डिस्टर्बिंग सिम्टम मैं समझती हूँ वो होता है, वो होता ही है वो डिस्टर्बिंग, कि इसमें हॉट फ्लशेज होते हैं। अब हॉट फ्लशेज का मतलब क्या है कि जैसे अभी खड़े हैं नॉर्मली, ठीक है, तो पूरी बॉडी एकदम से बिल्कुल गर्म हो जाएगी, एकदम हीट हो रही है, बहुत ज़्यादा ऐसी जलन सी हो रही है कि बर्दाश्त भी नहीं हो रही, और फिर अगले ही थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा वो। तो ऐसे कभी भी हो जाता है। आप सोचो कि आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो और आप वो मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, मतलब कि आप ही मीटिंग ले रहे हो बहुत सारे लोगों की, और आपको ही वो एकदम से हॉट फ्लशेस हो जाए, एकदम से पूरी बॉडी रेड हो रही है, जलन मच रही है बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत डिस्टर्बिंग सा हो जाता है उस टाइम पे, है ना। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं और ये चीज़ हो जाती है जब आपके जो पीरियड बंद होने वाले, मतलब कि जो मेनोपॉज है वो पास हो या फिर वो हो गया हो, तो ये एक दिक्कत है। उसके बाद क्या होता है कि जो योनि है वो बिल्कुल सूख जाती है, उसकी वजह से इचिंग वगैरह की दिक्कत, वो चीज़ें तो रहती रहती है, और क्या होता है कि संबंध बनाने की इच्छा, जो मन, या फिर अगर कोशिश भी करें तो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या चाहिए, नमी, वो गीलापन, वो चीज़ें चाहिए, वो नहीं है उस टाइम पे। तो ये जो संबंध बनाने से जुड़ी हुई ज़िंदगी है ये तो बिल्कुल वो हो जाती है नील, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ी दिक्कत इसी से रिलेटेड है कि अब हस्बैंड ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं हो रहा, वाइफ जो है उसी के साथ ही ऐसा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें, उसके साथ साथ इरिटेशन, मूड स्विंग्स, ठीक है, जो हॉर्मोन्स है उनका इंबैलेंस, क्योंकि जब ओवम जो होता है, मतलब कि जो एग होता है वो जब रिलीज होता है तो उसके साथ ही मतलब जो साइकिल है वो चल रही है और वो सब चीज़ें हो रही है, उसके साथ ही जो हॉर्मोन्स है वो है, तो वो हॉर्मोन्स जो हैं उनका लेवल क्या हो गया, एकदम से ड्रॉप हो गया, तो वो हॉर्मोन की कमी की वजह से जो दिक्कतें हैं वो सब कुछ, तो इतनी सारी दिक्कतें जो महिला उसको फेस करनी पड़ती है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर ये सिम्टम आप फेस करने लग जाए तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी जो पीरियड्स है वो बंद होने वाले, आपका मेनोपॉज बिल्कुल पास है अगर आपकी एज चल रही है तो वो, ठीक है। तो अभी इन सब दिक्कतों के लिए करना क्या है? तो सबसे पहले तो आपको
खुशी से वो चीज़ें, ये सोचना है रिलैक्स रह के कि नेचुरल है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर से जाके मिलना है, काउंसलर से जाके मिलना है, जो आपको काउंसिल करेंगे और आपको नॉर्मल करेंगे उस स्टेज के लिए। स्ट्रेस नहीं लेना इस चीज़ का। और अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से दिक्कत हो रही है तो आपको डॉक्टर से जाके मिलना है, तो वो करेंगे क्या, हार्मोनल थेरेपी होता है, मतलब सब चीज़ चक्कर तो हार्मोन का ही है ना, उसकी कमी की वजह से। तो वो आपको ईस्ट्रोजन से रिलेटेड टेबलेट्स या फिर हार्मोन थेरेपी वो सब कुछ करेंगे, जिसकी मदद से क्या होगा कि वो जो सिम्टम्स है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है वो कम हो जाएगी और आप बिल्कुल नॉर्मल फील करेंगे।